स्क्वायर रूट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, 11th पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक बात समझना सर, स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले एक जरा सा कॉन्सेप्ट समझो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए, सर मैंने इन दोनों को माइनस किया, सर मैं अगर a की जगह x स्क्वायर ले लूं, b की जगह y स्क्वायर ले लूं, तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर। ध्यान रखना सर, बेसिक फंडा और ये बेसिक फॉर्मूला। स्क्वायर रूट में यूज करूंगा सर मैं इसको, पहले आप इसे नोट करिए फिर आगे बात करिए। सर स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं? सर मैं तुम्हारे से अगर ये कहता हूं 3 प्लस 4 आई है, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट, कैसे फाइंड करते हैं? जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आई, फाइंड द स्क्वायर रूट। सर मुझे 3 प्लस 4 आई का स्क्वायर रूट निकालना है। अब एक बात सुनना सर, 3 प्लस 4 आई एक स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो स्क्वायर रूट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा सर। सर मैं दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दूं, इसके होल स्क्वायर को ब्रेक कर दूं, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, सर रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर दूं, सर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर दूं, अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, जो भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कहां से कहां था वो प्रूफ भी दिखाया था मैंने, फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू। सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस नाइन, ये 16, इसको इधर ले गया सर 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, थर्ड इक्वेशन। ये बात तो कंफर्म है सर, ये प्लस माइनस नहीं होगा, ओनली प्लस, क्यों? क्योंकि दो स्क्वायर नंबर का सम हमेशा पॉजिटिव होता है सर। अब एक बात और सुनना सर, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व किया फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों को ऐड किया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू,
सर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1। सर एक बात ध्यान रखना, स्क्वायर रूट में ये सब चीजें तो सॉल्व हो जाएंगी, पर इस इक्वेशन को मेन ध्यान रखना सर, एक्स वाई इक्वल टू 2, मतलब x और y का जो नंबर का सॉल्यूशन है वो दो नंबर का जो सॉल्यूशन है वो दोनों या तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो तभी सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट तो मैंने x प्लस आई वाई सपोज करा ना, इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो y की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 आएगा, यानी दोनों नंबर पॉजिटिव लेने पड़ेंगे, तभी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2 प्लस। और सर अगर x की वैल्यू माइनस 2 लेता हूं तो y की वैल्यू माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन, फाइनल रिजल्ट प्लस माइनस 2 प्लस। ध्यान रखना सर इसको सेटिस्फाई करना है, मतलब दोनों नंबर निगेटिव होने चाहिए या फिर दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, ये नहीं कि एक नंबर निगेटिव हुआ एक नंबर पॉजिटिव हुआ, नहीं सर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। नोट करिए सर, मैं अभी और दिखाता हूँ। चलिए सर और देखिए, सर एक बार क्वेश्चन इस टाइप से था, -7 -24y फाइंड द स्क्वायर रूट। अब एक बात सुनना सर, वो कह रहा है इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करिए, सर वही काम करना, x प्लस आई वाई के इक्वल टू लिया, इसका स्क्वायर रूट निकालना, चाहे यहां पर माइनस हो यहां माइनस हो, सपोज आप x प्लस आई वाई करेंगे सर। चलिए सर, मैंने सर दोनों साइड का होल स्क्वायर किया, इस होल स्क्वायर को ब्रेक किया, सर आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सर रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया, सर इसके लिए मैंने आपको बताया था जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू उधर गया, सर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 25,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेवन, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर। अब सर मैंने आपसे कहा था इस वाली कंडीशन को ध्यान रखना, x और y दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ट्वेल्व आना चाहिए। आप सोचिए ना सर, माइनस ट्वेल्व आना चाहिए, इसका मतलब एक नंबर नेगेटिव तो एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने स्क्वायर रूट आपको सपोज किया था x प्लस आई वाई। सर इफ अगर x की वैल्यू थ्री है तो y की वैल्यू माइनस फोर, तो स्क्वायर रूट हो गया थ्री माइनस फोर आई। इफ अगर x की वैल्यू माइनस में है तो y की वैल्यू प्लस होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि एक नंबर नेगेटिव तो एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। सर क्या लिख दूं मैं इसमें से माइनस कॉमन? सर फाइनल रिजल्ट प्लस माइनस थ्री माइनस। Not very, sir.